वीडियो पसंद आया तो प्लीज ठीक है। ठीक है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अगर आपके घर में हैं छोटे बच्चे तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक प्रोडक्ट का रिव्यू जो है बच्चों से रिलेटेड। अंत तक जरूर देखिएगा। प्रोडक्ट है ये है बच्चों का प्ले टेंट हाउस, जो इस पैकिंग में आया है और जो मैंने मंगाया है, मीशो से ऑर्डर किया था जो मैंने। और मैं दिखाऊंगी आपको इसकी अनबॉक्सिंग और इसे कैसे ज्वाइन करना है और इसके अंदर है क्या क्या और माय साइड ओपिनियन कि मुझे कैसा लगा, सब कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में, अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, इस पैकिंग बहुत अच्छी है इसकी। देखिए ये है ऊपर का कवर इसमें, और साथ ही साथ इसमें है ये स्टिक्स, एल कनेक्टर और के कनेक्टर। चलिए देखते हैं इसे ज्वाइन कैसे करना है। देखिए, हमने ये टेंट हाउस निकाल के रख दिया है, सेट कर लिया है। और ये इसके कनेक्टर हैं, इसे ये चार कनेक्टर हैं और छह दूसरे वाले हैं, ये 10 कनेक्टर हैं। इसके अकॉर्डिंग हमने सेट करना है इसे, और हमने सब स्टिक्स इसके अलग अलग रख दी हैं। इसके अकॉर्डिंग हम इसे रखेंगे, इसे कनेक्ट करेंगे। ये जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे शो है, ये इसमें दो ए साइज के और दो बी साइज के लगाने हैं। दो ए साइज के पकड़ लिए हैं, इन्हें ऐसे रखेंगे हम, और दो बी साइज के रखे हैं, इन्हें ऐसे रखेंगे हम। ये पार्ट ये हैं सिक्स इसके होल्डर। अब होल्डर को हम इसमें सेट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से के साइड के होल्डर लगाने हैं हमको। ये के साइज के होल्डर लगाने हैं, जैसे कि उसमें दिया हुआ है, बस उनको फिट कर एडजस्ट करते जाने हैं। इसके बाद हम इसमें डी साइज स्टिक ऐड करेंगे, ज्वाइन करेंगे। अब बचे दो होल्डर, जिन्हें फिट करेंगे। सी इज वेरी एक्साइटेड। देखिए कितनी एक्साइटेड है, इसका घर बन रहा है। मेरा घर बन रहा है, मेरा घर बन रहा है। क्या बन रहा है आपका? मेरा घर। घर बन रहा है। क्या करोगे इसमें? देखिए आप इसकी हाइट का अंदाजा लगा सकते हैं इससे। इट्स अबाउट लास्ट स्टेप डन। अच्छा, इतना बड़ा सा अच्छा लगा इसे। ये है दरवाजा।
के गेट है, लेकिन ये खुलने वाला नहीं है, बस खाली ये शोपीस है। ये है, इसमें कैश काउंटर लिखा हुआ है। ये है खिड़की छोटी सी, और ये दो प्यारे प्यारे से रोशनदान। ये छत होगी। अब दिखाते हैं आपको बैक साइड। ये यहाँ से बच्चों का आने जाने वाला है ना, बाहर निकलो ऐसे। हाँ वैष्णो भी इसके अंदर से बाहर नहीं निकलना चाह रही अभी। और ये साइड से देखिए रसनदान कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ से हाय बोलो सबको, यहाँ से हाय बोलो। ये कर लिया है हमने सेट। अब आती है बारी इसके रिव्यू की गाइस। देखिए ये स्टैंड था उसका, ये डोर है ना, बहुत सुंदर सा प्रिंट है, बहुत सुंदर है ये। लेकिन अगर ये खुलने वाला होता या फिर कुछ इसमें पर्दा या फिर यहाँ से ओपन सिस्टम होता तो ज़्यादा अच्छा होता। बस ये शोपीस है, इसीलिए मुझे इसका ये एक माइनस पॉइंट लगा। मेरे हिसाब से ये यहाँ से खुलने वाला होता तो ज़्यादा अच्छा होता। हम इसे दीवार के सहारे रख सकते, ऐसे में हम इसे दीवार से सटाकर नहीं रख सकते, क्योंकि पीछे से जो इसका डोर है, जो इसका आने जाने का हिस्सा जगह है, वो है पीछे से चीज ना, जो इसका एक कनेक्टर है, दिखाते हैं। ये देखिए शायद आप देख पा रहे हैं, ये एक ही बार में ही क्रैक आ चुका है इसमें। अब मेरे ख्याल मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा चलने वाला है, बस कुछ ही टाइम का मेहमान बचाए। कंपनी ने इसे या तो इसे इसके कनेक्टर एक्स्ट्रा देने चाहिए थे, और या फिर इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए थी, इसीलिए ये दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इसका। और सुंदर है, काफ़ी अच्छा है बच्चों के खेलने के लिए। अगर ये एक बार बना के रख दो तो इट्स गुड, बट बार बार बनाना है और रिमूव करना है तो इसमें इसकी क्वालिटी कम पड़ जाएगी और ये टूट जाएगा, जैसे कि एक ही बार लगाने में टूट चुका है। इसलिए मैं इसे ऑल ओवर 3 स्टार दूंगी, ज़्यादा नहीं दे पाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया सब्सक्राइब, ठीक है।